हम सब लोग ये बात जानते हैं कि कई लोग इंजेक्शन से नशा लेते हैं और इसके आदि बन जाते हैं। किसी भी तरह का नशा करना नुकसानदायक तो होता ही है, मगर इंजेक्शन से नशा लेना कुछ ज़्यादा ही नुकसानदायक हो सकता है। इससे इंजेक्शन लेने के स्थान पर घाव, HIV, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन और साथ ही ओवरडोज होने का भी खतरा होता है। आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। इस फिल्म में हमें इंजेक्शन से होने वाले नुकसान और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। ख़ास बात यह है कि ये जानकारी हमें दे रहे हैं पीयर एजुकेटर, जो कि पहले खुद इंजेक्शन से नशा लेते थे और अब नशा करना छोड़ चुके हैं। कहाँ और कैसे लें इंजेक्शन? कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज को शेयर करने से HIV और हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इंजेक्शन लेने के सही तरीके की जानकारी देने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं कुछ लोगों को जो इंजेक्शन ले रहे हैं। ये देखिए घाव के विभिन्न निशान, जो अभी पूरी तरह भरे भी नहीं हैं। बार बार एक ही जगह पर इंजेक्शन लेने से न सिर्फ घाव हो गया है, बल्कि इसने घातक रूप ले लिया है, जिससे अपंग होने का खतरा भी रहता है। इसलिए आइए अब हम जानते हैं पीयर एजुकेटर से कि इंजेक्शन कहाँ लेना चाहिए और इसे लेने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अब आपको बताते हैं इंजेक्शन लगाने का सही तरीका। हमेशा ब्रांड न्यू सुई और सिरिंज का ही इस्तेमाल कीजिए, और उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद ना तो उसको दोबारा लगाएं और ना ही किसी को दें, और तुरंत उसको नष्ट कर दें। इंजेक्शन लगाते समय हमेशा सफाई का भी पूरा ख्याल रखें। इसे लगाते समय गर्म पानी और साबुन या स्पिरिट से अच्छी तरह धो लें। स्पिरिट आपको दवाई की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। यदि आपके पास साबुन नहीं है तो पानी से ही अच्छी तरह सफाई कर लें, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर है। नस से थोड़ी सी दूरी पर भी सुई लगाने से वहाँ सूजन आ जाती है। सामान्यतः एक दो दिन बाद वहाँ से नस गायब हो जाती है। कुछ दिन तक वहाँ इंजेक्शन ना लगाएं, उस जगह को आराम दें और उस पर नज़र रखें। हालात बिगड़ने पर डॉक्टर से मिलकर उसका सही उपचार कराएं। इंजेक्शन लगाने से पहले ये ध्यान रहे कि सुई तिरछी और अच्छी तरह से लगाई गई है, क्योंकि नस से दूर किसी दूसरी जगह या नस के नीचे की त्वचा में सुई चुभने से सूजन हो सकती है और घाव का रूप ले सकती है। ये भी ध्यान रखें कि उसी जगह पर बार बार इंजेक्शन न लगाएं, हर बार जगह बदलते रहें, ताकि नस को सुई के प्रभाव से उबरने का मौका मिल सके। सूजन हो जाने पर उंगलियों से उसके आसपास छुएं। यदि वहां कोई फोड़ा महसूस हो या वहां की त्वचा गर्म लगे तो संभव है कि आपको इन्फेक्शन है, और ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। कहां लगाएं इंजेक्शन? हाथ और पैरों के मांसल या मस्कुलर भाग के नस में इंजेक्शन लगाना ठीक रहता है। यदि किसी जगह घाव हो गया है तो उसका तत्काल उपचार शुरू करें, और ठीक होने तक इंजेक्शन उससे 12 इंच की दूरी पर ही लगाएं। कहां इंजेक्शन न लगाएं? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और जननांगों आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों से पर्याप्त दूरी पर इंजेक्शन लगाएं। इतना ही नहीं, गर्दन, पेट और जांघ के बीच के भाग, जीभ, हथेली, कलाई, उंगली, माथा, स्तन और बच्चेदानी के पास भी इंजेक्शन कतई ना लगाएं। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इंजेक्शन के घाव, उनकी देखभाल और उपचार। ड्रग्स लेने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वुंड मैनेजमेंट की। सिरिंज को बार बार एक ही जगह लगाने से वहां घाव हो जाता है और फिर उसमें पस भर जाता है, और इसके बावजूद भी नशे का सेवन करने वाले उसी जगह पर बार बार इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कम मालूम रहता है। इससे घाव न सिर्फ बढ़ जाता है,
बल्कि ज्यादा दिन तक इसका इलाज न होने पर उन्हें उस अंग से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कैसे होते हैं ये घाव। कई बार इंजेक्शन लेने की जगह और उसके आसपास की त्वचा की अच्छी तरह से सफाई न करने पर उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इन्फेक्शन के कारण ये घाव का रूप ले लेते हैं। इंजेक्शन नहीं लेने वाले पदार्थों का इंजेक्शन लेने से तथा एक बार इस्तेमाल की गई सुई को दोबारा प्रयोग करने से भी ऐसे घाव हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसे स्थान पर इंजेक्शन लेने पर वहां की नस सुन्न होकर गायब भी हो जाती है, परंतु लोग इसमें अंदाजे से सुई चुभो देते हैं जिससे ड्रग्स नस के स्थान पर वहां की त्वचा के नीचे रह जाती है और संक्रमित होकर धीरे धीरे घाव बन जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि कई बार इंजेक्शन की सुई नस के बदले आर्टरी में लग जाती है जिससे काफी खून बहने लगता है। इससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। आर्टरी में सुई चुभोने के लक्षण हैं: सुई चुभोते समय भारी जलन होना और लगातार खून बहना। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत सुई को बाहर निकालें, घाव को हाथ से दबाकर या कपड़ा बांध कर रखें। अगर 5 मिनट तक खून का बहना बंद नहीं हुआ तो पट्टी बांधकर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। घाव के प्रारंभिक लक्षण: त्वचा पीली है तो उसमें सूजन और उसका रंग लाल हो जाना, त्वचा गर्म और कोमल होना, इससे दुर्गंधित मवाद निकलना और बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण इसमें जलन होना। ड्रग्स लेने वाले अपने घावों को छिपा कर रखते हैं, इसीलिए ये पता लगाना कि उन्हें घाव है, फिर उसकी देखभाल करना, उसका इलाज करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अनुभव से हम ये सब जान सकते हैं। कैसे बचें इन घावों से? यदि ऐसे घाव से बचना है तो तत्काल इंजेक्शन लेना बंद कर दें, और अगर लेना ही है तो हर बार नई सिरिंज का प्रयोग करें। यदि इंजेक्शन लेना नहीं छोड़ पा रहे तो इंजेक्शन लेने से कम 1 मिनट पहले वहां की त्वचा को साबुन या स्पिरिट से अच्छी तरह साफ कर लें। इससे घाव होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ड्रग्स के नशे से होने वाली बीमारियों के अलावा हर बार एक ही जगह इंजेक्शन लेने से होने वाले घावों और इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। बस जरूरत है जरा सी सावधानी बरतने की। ओवरडोज। आइए अब देखते हैं ड्रग्स की ओवरडोज क्या है और इससे कैसे बचे। ड्रग्स के ओवरडोज का मतलब है किसी व्यक्ति के अपने शरीर की सहन करने की क्षमता से ज्यादा या फिर अलग अलग तरह की ड्रग्स लेना। इसके अलावा इलाज के बाद अगर कोई फिर से नशा करना शुरू करता है तो छोटी सी मात्रा भी ओवरडोज का कारण बन सकती है। ये हृदय, फेफड़े, जिगर, किडनी और मस्तिष्क सहित अन्य संवेदनशील अंगों पर अत्यधिक दबाव डालती है जिससे कई समस्याएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि ओवरडोज के लक्षण क्या क्या हैं। असंतुलन की स्थिति, ध्यान केंद्रित न कर पाना, अत्यधिक लार टपकना, होठ नीला और त्वचा पीली पड़ जाना, व्यक्ति द्वारा व्यर्थ की बकबक करना आदि, ये सब सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति बात करने में असमर्थ हो, शरीर शिथिल पड़ जाए, सांसें रुक रुक कर आए और अत्यधिक वोमिटिंग हो, शरीर अचेत हो जाए, त्वचा का रंग बदलने लगे, पल्स रुक रुक कर चले और उसका दम घुटने लगे, तो ये स्थिति बेहद गंभीर है। यदि रोगी का आधे घंटे के भीतर सही इलाज नहीं होता है तो उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए रोगी को हर हाल में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे रोगियों का प्रारंभिक उपचार कैसे किया जाता है। ओवरडोज प्रबंधन के लिए पहले हम व्यक्ति की क्रियाशीलता की जांच करते हैं, उसके बाद व्यक्ति को खुली हवादार घर के अंदर लेके जाते हैं और व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देते हैं।
उसके बाद व्यक्ति की जांच करके ये देखते हैं कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम अपने मुंह के द्वारा धीरे धीरे करके सांस देने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में बने रहने के लिए दाएं हाथ को सर के पास रखें जैसे कि वो हाथ हिला रहा हो। बाएं हाथ को छाती पर इस प्रकार रखें कि उसकी हथेली का हिस्सा गाल से सटा रहे। हाथ को अपनी जगह पर रहने दें और बाएं घुटने को उठाएं। घुटने को नीचे धकेलते हुए पीड़ित को उसके बगल की तरफ लिटाएं। ओवरडोज से कैसे बचें? आमतौर पर यह देखा गया है कि ड्रग्स का सेवन करने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उन्हें कितनी मात्रा में डोज लेनी चाहिए। सही तरह से नशा नहीं होने पर वो जरूरत से ज्यादा डोज ले लेते हैं। ओवरडोज से बचने के लिए जरूरी है कि ड्रग्स लेने से पहले इसका डोज तय कर लें। आपस में मिलकर ड्रग्स के ओवरडोज से होने वाले घातक परिणामों की भी चर्चा करें। स्मैक सबसे प्रचलित ड्रग है, परंतु ये महंगा और आसानी से मिलता भी नहीं है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा दिन तक नहीं ले पाते और वो इसका विकल्प तलाशने लगते हैं। आसानी से उपलब्ध और सस्ता होने के कारण न चाहते हुए भी इंजेक्शन उनके लिए बेहतर विकल्प बन जाता है। इंजेक्शन के अलावा उनके द्वारा फेंसिडिल, कोरेक्स और अन्य कफ सिरप का बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है। ये सिरप बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ड्रग यूजर की काउंसलिंग करते हुए हमने यही पाया है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नशीली दवाई लेना शुरू नहीं करता, बल्कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानियों के कारण या फिर दोस्तों के दबाव में आकर वह नशीली दवाओं के जाल में फंसता ही चला जाता है। इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ बड़े ही सहजता से पेश आते हैं और उन्हें धीरे धीरे काउंसलिंग करने के साथ साथ ड्रग्स के ओवरडोज से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं और उन्हें हम ड्रग्स के डोज को कम करने की सलाह देते हैं। ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST। इंजेक्टिंग ड्रग्स का विकल्प है ओरल ड्रग्स। इंजेक्टिंग ड्रग्स के लेने से होने वाले नुकसान जैसे कि घाव, HIV, इन्फेक्शन आदि से बचने के लिए ओरल टैबलेट का प्रयोग करना चाहिए। टैबलेट को जीभ के नीचे रखने के थोड़ी देर बाद ही वो इंजेक्शन के समान ही असर करेगा। ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लें। अपने दोस्तों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के न दें। टैबलेट के मुंह में घुल जाने का या 10-15 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक टैबलेट की डोज पर रहने के बाद डॉक्टर की सहायता से उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। तो इस फिल्म में हमने देखा इंजेक्शन से होने वाले नुकसानों और इनसे बचाव के तरीकों के बारे में। दरअसल सबसे बेहतर विकल्प तो यही है कि हम नशा करना पूरी तरह से छोड़ दें, मगर यदि इसमें समय लगे तो कम से कम थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें ताकि आप अपने आप को और अपने साथियों को इंजेक्शन से होने वाले नुकसानों से बचा सकें और एक स्वस्थ ज़िंदगी बिता सकें।